एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्किप मत करना क्योंकि मैं आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ। हम वीडियो को सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पीपीपी को एंड आईआरपी को। पीपीपी का मतलब क्या होगा? परचेजिंग पावर पार्टी एंड इंटरेस्ट रेट पार्टी, आईआरपी। इन दोनों टॉपिक को हम आज के वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। हमारी जो पिछले वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। हम स्टार्ट करते हैं परचेजिंग पावर पार्टी से। परचेजिंग पावर पार्टी इज द थ्योरी इन इकोनॉमिक्स दैट सजेस्ट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर परचेजिंग पावर इज द सेम इन ईच ऑफ द टू कंट्रीज। पीपीपी हमें क्या सजेस्ट करता है? पीपीपी एक इकोनॉमिक थ्योरी है, परचेजिंग पावर पार्टी आपको बताइए। वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जब हम एक्सचेंज करते हैं, जो एक्सचेंज रेट होता है दो करेंसीज का, दो कंट्रीज के बीच में, वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है जब आपकी परचेजिंग पावर दोनों ही कंट्रीज की सेम है। तो इसको टॉपिक को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स के हेल्प से समझाती हूँ। फर्स्ट वॉज एब्सोल्यूट पीपीपी, दी स्टेट यूनिट ऑफ वन करेंसी शुड बाय द सेम यूनिट ऑफ गुड्स इन ऑल कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, इफ वन यूएसडी कैन बाय अ लूफ ऑफ ब्रीड इन द यूएस अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट पीपीपी, इट शुड ऑल्सो बी एबल टू बाय अ सिमिलर लूफ ऑफ ब्रीड इन अनदर कंट्री आफ्टर कन्वर्टिंग द करेंसी। एब्सोल्यूट पीपीपी हमें क्या बताता है कि एक करेंसी जो है उसकी जो हमारी वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, अगर हमें यहाँ पे 100 रुपए में एक कोई चीज हमें मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के किलो हमें आम मिल रहे हैं, तो दूसरी कंट्री के अंदर भी उस चीज की वही सेम वैल्यू होनी चाहिए। सेम मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे हमारे जो चीज है वो 100 रुपए में हमें मिल रही है तो वहां भी हमें वो चीज 100 रुपए में मिलनी चाहिए। इसको हम एब्सोल्यूट पीपीपी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव पीपीपी। रिलेटिव पीपीपी टेक्स इन्फ्लेशन रेट इनटू अकाउंट। इट सजेस्ट दैट चेंज इन एक्सचेंज रेट विल रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू कंट्रीज। इफ वन कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन अनदर, इट्स करेंसी शुड अप्रिशिएट टू मेंटेन पीपीपी। बहुत ज्यादा पीपीपी हो गया इस वीडियो के अंदर, कोई बात नहीं, आप मुझे बताना मैंने इस वीडियो के अंदर कितनी बार पीपीपी कहा है। रिलेटिव पीपीपी का मतलब क्या होगा? ये इन्फ्लुएंस रेट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मतलब कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, चेंज इन एक्सचेंज रेट, वो रिफ्लेक्ट करेगा प्राइस लेवल के चेंज होने के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में। अगर एक कंट्री का प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, हाइयर है दूसरी कंट्री के प्राइस से, तो वो डेप्रिशिएट होगा हमारा पीपीपी। इट मीन्स अब हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का 1 रुपया की वैल्यू बहुत कम है यूएस के अंदर, उनका 1 US डॉलर हमारे 80 रुपए या पता नहीं 70 रुपए के बराबर है, मैंने करंटली चेक नहीं किया है, बट 72 रुपीज के आसपास वो रहता है। तो हमारी जो करेंसी वैल्यू वो कम है तो वो इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारा रिलेटिव पीपीपी बताता है कि अगर आपके एक्सचेंज रेट अगर आप कर रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस करेगा अगर आपके प्राइस जो है वो कम हो रहा है। द बिग मैक्स इंडेक्स, दिस इज एन पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पीपीपी इन एक्शन। द बिग मैक्स इंडेक्स कंपेयर द प्राइस ऑफ बिग मैक्स बर्गर इन डिफरेंट कंट्रीज टू डिटरमाइन इफ करेंसीज आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ पीपीपी। पीपीपी जो है ये बिग मैक्स इंडेक्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब ये कंपेयर करता है प्राइस ऑफ मैक्स बर्गर, बर्गर के प्राइस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। देखो हमारी कंट्री के अंदर भी बर्गर के प्राइस बहुत अलग अलग हाई लेवल पे आपको मिलेंगे। कहीं पे आप अगर कहीं रोड साइड देखोगे तो 30 रुपए का बर्गर मिल जाएगा, 20 रुपए का मिल जाएगा। आप बाहर कहीं देखोगे तो 60 रुपए से बर्गर स्टार्ट होता है, 80 से स्टार्ट होता है, 120 से स्टार्ट होता है। तो अलग अलग वैल्यूज है, उनको कंपेयर करके बताता है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पीपीपी। पीपीपी थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें बताता है कि आपकी करेंसी वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लास्टली हमारा है इंफ्लेक्शन। पीपीपी इज असेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एज इट हेल्प्स डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ करेंसी। इट इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट मूवमेंट एंड
कैन अफेक्ट ट्रेड बैलेंस बिटवीन टू कंट्रीज। पीपीपी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमें बताता है कि फेयर वैल्यू क्या है एक करेंसी की, एक कंट्री की करेंसी की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है जो हमारे एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स होते हैं, और ये अफेक्ट भी करता है ट्रेड बैलेंस जो हमारा दो कंट्रीज के बीच में है उसको। अब पीपीपी को हम साइड करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्ट रेट पार्टी IRP, अ थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एंड द स्पॉट एक्सचेंज रेट। ये जो थ्योरी है ये हमें क्या बताती है, जो इंटरेस्ट रेट है हमारा दो कंट्रीज के बीच में वो इक्वल है डिफरेंस के हमारे स्पॉट एक्सचेंज रेट के और हमारे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के। स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हम अपने पिछले वीडियोस के अंदर स्टडी कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा इसको निकालने के लिए, F0 = S0 × (brackets) ब्रैकेट स्टार्ट 1 + IC / 1 + IB ब्रैकेट क्लोज। F0 = फॉरवर्ड रेट, S0 = स्पॉट रेट, IC = इंटरेस्ट रेट इन कंट्रीज सी एंड IB = इंटरेस्ट रेट इन कंट्रीज बी। इस तरीके से हम अपने IRP को निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है डिफरेंस होता है फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सचेंज रेट को बताने के लिए। इंटरेस्ट रेट पार्टी के अंदर मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं बताने के लिए आप लोगों को, इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट का डेफिनेशन ही मिला, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। नॉर्मली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर कोई दो नंबर में आपको पूछ ले तो 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट अब आप लोगों के पास आए, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो को के अंदर आपको क्या कमी लगी है, कुछ भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।